सो हेलो फ्रेंड, तो बहुत दिनों के बाद आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियो लेके आए हैं फोटो एडिटिंग के बारे में। कुछ इस प्रकार की एडिटिंग आपको बताएंगे, मकर संक्रांति पे स्पेशल एडिटिंग करने वाले फ्रेंड, कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। तो बता दें कि वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला फ्रेंड। सिंपली आपको पी कट्स एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड, हम अपना पी कट्स एप्लीकेशन ओपन कर लिया और इस बैकग्राउंड को पी कट्स एप्लीकेशन के अंदर लेके आ जाना है। बता दें कि सभी बैकग्राउंड और PNG का हम लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली हम जाएंगे ऐड फोटो वाले आइकन पर और अपना हम PNG ऐड करेंगे। तो ऐड फोटो पे हम क्लिक कर दिए और ये रहा हमारा PNG फ्रेंड। कुछ इस प्रकार आपको यहाँ ऐड कर लेना है और जाना है एडजस्ट वाला आइकन पे। ये रहा हमारा एडजस्ट फ्रेंड। आपको ब्राइटनेस -100 कर देना है, सेचुरेशन भी इसका -100 कर देना है और जाना है हाईलाइट्स पे, -100 कर देना है। इसके बाद जाना है आपको टेम पे फ्रेंड, शैडो पे, शैडो भी इसका -100 कर देना है। सिंपली आपको यहाँ से टर्न कर देना है, फिर से जाना है एडजस्ट वाला आइकन पे फ्रेंड और फिर से आपको ब्राइटनेस -100 कर देना है और फिर से आपको हाईलाइट्स -100 कर देना है, इसका सिचुएशन भी -100 कर देना है। सिंपली आपको यहाँ से कुछ इस प्रकार एडजस्टमेंट कर लेना है। सिंपली आपको यहाँ से टर्न कर देना है फ्रेंड। फिर से ऐड फोटो वाले आइकन पे जाना है और अपना ये मॉडल इमेज कुछ इस प्रकार आपको मॉडल इमेज अपना ऐड कर ले हैं। मॉडल इमेज कुछ इस प्रकार आपको एडजस्टमेंट करके यहाँ पे आपको सेट कर देना है कुछ इस प्रकार। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार आपको फ्रेंड ऐड कर लेना है मॉडल इमेज। अब सिंपली आपको फिर से एडजस्ट वाला आइकन पे जाना है और इसको भी ब्लैक एंड वाइट कर देना है। एडजस्ट वाला आइकन पे जाना है, फिर से इसका भी ब्राइटनेस -100 कर देना है फ्रेंड और इसका भी हम सेचुरेशन -100 कर देंगे। सेचुरेशन -100 कर देना है। उसके बाद हाईलाइट्स पे जाना है, हाईलाइट्स -100 कर देना है। उसके बाद जाना है फ्रेंड शैडो पे, आपको शैडो भी इसका -100 कर देना है। फिर से आपको डन कर देना है, फिर से जाना है एडजस्ट वाला आइकन पे फ्रेंड और फिर से आपको इसका ब्राइटनेस -100 कर देना है। सेचुरेशन भी इसका -100 कर देंगे और हाईलाइट्स -100 कर देंगे और शैडो भी हम इसका -100 कर देंगे। सिंपली आपको यहाँ से डन कर देना है फ्रेंड। देखिए हमारा फोटो कुछ इस प्रकार का हो गया मॉडल इमेज। फिर से आपको ऐड फोटो वाला आइकन पे क्लिक करना है फ्रेंड और अपना एक PNG रहा है, ये PNG इसको हम कुछ इस प्रकार ऐड कर लेंगे। तो ऐड फोटो वाला आइकन पे क्लिक करके ऐड कर लेंगे फ्रेंड। तो कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देना है और इसको कुछ इस प्रकार हैंड में आपको लगे कि इसको पकड़ा देना है फ्रेंड। कुछ इस प्रकार एडजस्टमेंट करके आपको सिंपली इसको भी ब्लैक एंड व्हाइट कर देना है, ब्लैक कर देना है। एडजस्ट वाला आइकन पे जाना है फ्रेंड और इसका ब्राइटनेस -100 कर देना है, सैचुरेशन भी -100 कर देना है, हाइलाइट्स भी -100 कर देना है। उसके बाद शैडो पे जाना है आपको, शैडो भी आपका -100 कर देना है। सिंपली आपको यहाँ से टर्न कर देना है। देखिए अभी अच्छा से ये ब्लैक नहीं हुआ है, तो फिर से एडजस्ट पे जाना है फ्रेंड और फिर से आपको ब्राइटनेस -100 कर देना है, फिर से सैचुरेशन भी इसका -100 कर देना है और शैडो भी -100 कर देना है और हाईलाइट्स भी -100 कर देना है। सिंपली आपको यहाँ से डन कर देना है फ्रेंड। सिंपली आपको ऐड फोटो वाला आइकन पे जाना है फिर से और एक और टाइट आपको ऐड कर लेना है, तो इसको भी हम ऐड कर लेंगे। इसको फ्रेंड कुछ इस प्रकार यहाँ पे ऐड कर लेंगे हम, कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पे रख लेना है। फिर से एडजस्ट वाला आइकन पे जाना है फ्रेंड, फिर से इसका भी हम ब्राइटनेस -100 कर देंगे और हाईलाइट्स भी -100 कर देंगे, शैडो भी -100 कर देंगे, सिचुएशन भी -100 कर देंगे। देखिए ये भी अच्छा से नहीं होता, फिर सिंपली आपको यहाँ से डन करके फिर से एडजस्ट पे जाना है और फिर से -100 कर देना है ब्राइटनेस। सिंपली आपको यहाँ से डन कर देना है फ्रेंड। देखिए कुछ इस प्रकार का हमारा हो गया और फिर से आपको ऐड फोटो वाले पे जाना है, सनलाइट PNG एक यूज़ करना है। तो ये रहा सनलाइट PNG, इसको यहाँ पे यूज़ करके आपको यूज़ करने से पहले फ्रेंड आपको स्क्रीन पे जाना है, ब्लेंड पे जाना है, आपको स्क्रीन कर देना है कुछ इस प्रकार। देखिए कुछ इस प्रकार हो गया, सिंपली आपको यहाँ से डन कर देना है फ्रेंड। उसके बाद जाना है ऐड फोटो वाला आइकन पे, अपने मकर संक्रांति वाला PNG ऐड कर लेना है फ्रेंड। तो ये रहा हमारा मकर संक्रांति का PNG। कुछ इस प्रकार जाना है ब्लेंड वाला आइकन पे और आपको यहाँ से मल्टीपल कर देना है और यहाँ पे कुछ इस प्रकार एडजस्टमेंट करके आपको यहाँ ऐसे छोटे में लगा के सिंपली आपको डन कर देना है। देखिए कुछ इस प्रकार का हो गया, फिर से ऐड फोटो वाला आइकन पे जाना है और नीचे शैडो आपको लगा देना है। तो ये रहा हमारा शैडो, कुछ इस प्रकार यहाँ पे इसको नीचे साइड में हम
लगा के ब्लेंड वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और मल्टीपल हम कर देंगे। तो देखिए नीचे के साइड शैडो कुछ इस प्रकार का आ गया। आपको कुछ इस प्रकार का शैडो दे देना है नीचे के साइड में, और सिंपली आपको यहाँ से डन कर देना है। फिर से ऐड फोटो वाले आइकन पे जाना है, क्लिक करना है, और हैप्पी मकर संक्रांति का दो ये PNG रहा, इसको भी हम यूज करने वाले हैं फ्रेंड। एक ये रहा और एक ये रहा, इसको भी हम ऐड कर लेंगे, फोटो और भी अच्छा दिखेगा इसको ऐड करने से। देखिए कुछ इस प्रकार आपको यहाँ से इसको बड़ा करके नीचे के साइड में यूज कर लेना है। फिर से इस वाले PNG को भी हम कुछ इस प्रकार यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ से डाउन कर देना है। देखिए कुछ इस प्रकार का हो गया फोटो, देखिए कितना अच्छा एडिट हो गया। सिंपली आपको जाना है टूल्स वाला आइकन पे फ्रेंड, और थोड़ा लाइट का मैनेजमेंट कर लेना है। टूल्स पे जाना है, फिर से एडजस्ट वाला आइकन पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ से आपको कंट्रास्ट पे जाना है फ्रेंड। कंट्रास्ट आपको 20 के आसपास रख देना है, 20 रख देना है। और सिचुएशन पे जाना है फ्रेंड, सिचुएशन आपका 10 रख देना है फ्रेंड, 10। इसके बाद जाना है शैडो वाला आइकन पे फ्रेंड, शैडो आपको -8 कर देना है फ्रेंड। उसके बाद जाना है टेम पे फ्रेंड, टेम आपको देख लीजिएगा टेम माइनस प्लस करके कौन सा अच्छा लग रहा है। तो ये टेम प्लस करने पे कुछ इस प्रकार का फोटो हो जा रहा है, अच्छा दिख रहा है, तो येलो इफेक्ट आ जा रहा है, तो हम उसको टेम 20 कर देंगे फ्रेंड, 20 प्लस कर देंगे। सिंपली आपको 21 प्लस कर देना है, सिंपली आपको यहाँ से डन कर देंगे। देखिए फ्रेंड हमारा फोटो एडिटिंग हो गया पिकआर्ट एप्लीकेशन में। देखिए कुछ इस प्रकार का एडिटिंग हुआ है फ्रेंड, देख सकते हैं फोटो बहुत ही तगड़ा एडिट हुआ है। तो फ्रेंड अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ इसी प्रकार रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेगी फ्रेंड। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।